दिल्ली हाई कोर्ट ने केस में कहा है कि विवाह का अधिकार जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का संरक्षण प्राप्त है। अदालत के सामने एक याचिका थी जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। इसे अदालत ने मंजूर करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए किसी सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा, विवाह का अधिकार मानव आज़ादी का एक मूलभूत पहलू है। किसी के जीवन साथी को चुनने का अधिकार न केवल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में रेखांकित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने अपने जीवन और आज़ादी के संरक्षण के लिए कोर्ट से एक परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वह बालिग हो चुके हैं और उन्होंने स्वेच्छा और सहमति से आर्य समाज मंदिर में हिंदू वैदिक संस्कारों से एक दूसरे से शादी की है, फिर भी उनके परिवार से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि विवाह करने की आज़ादी मानवीय आज़ादी की आधारशिला है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और संविधान का अनुच्छेद 21 दोनों ही जीवन के अधिकार के मूलभूत पहलू के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को स्थापित करते हैं। कोर्ट ने शफीन जहां बनाम अशोकन के इन केस का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जो दोनों बालिग हैं, उन्हें अपने धर्म विश्वास और मान्यताओं की परवाह किए बिना एक दूसरे से शादी करने का अधिकार प्राप्त है। परिवार के सदस्य याचिकाकर्ताओं के जीवन और आज़ादी को खतरे में नहीं डाल सकते। याचिकाकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत आज़ादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसमें व्यक्तिगत विकल्प चुनने का अधिकार शामिल है। इसीलिए कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का हकदार है।